ये एक बैग है, उसके अंदर जाय नमाज है और मेहंदी है और तस्बीह है। तो बिरयानी अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग आए हैं आसान सिटी। हम लोगों को ना एक अपने फ्रेंड्स के घर आना था, वो उमरा करके आए हैं। तो पहले तो मैं जा रही हूँ तोले जोर्स बेकरी, उनके लिए कुछ बाय करने के लिए। हम ना अपने फ्रेंड्स के घर पहुंच चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि वो लोग उमरा करके आए हैं, तो वो हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। टू अनबॉक्सिंग उन्हीं के घर में बैठ के। अच्छा, ये हमारे लिए ना ये एक बैग है, उसके अंदर जाय नमाज है और मेहंदी है और तस्बीह है। तो मैं ना ओपन करके भी यहीं पर देखने लगी। मैं घर जाऊँगी ना तो मुझे बच्चों ने ज़रा नहीं कुछ करने देना। वहाँ से लाइक मदीना और मक्का से आई हुई चीज़ों की ना अपनी खुशी होती है। मेहंदी ये तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। अच्छा ये ये बहुत अच्छा है यार। ये जानमाज बिल्कुल हैंड और ये जायनमाज है। अच्छा, इसको बंदा ना साथ कहीं भी कैरी कर सकता है कहीं। और ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये मोहसिन के लिए एक स्कार्फ आया है। मोहसिन की चीज़ों की भी ना आसिया अनबॉक्सिंग करेगी आज। वैसे ये मैं भी ले सकती हूँ। इन्हीं के घर बैठ के खोली हूँ। वो बच्चे नहीं होते, उनको कोई गिफ्ट देता है, वो कहते हैं हम यहीं पे बैठ के खोलें। मेरा वो हाल है। एक मोहसिन के लिए कैप आई है और इस पे भी ना खाना काबा बना हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें लेके आए हो। बहुत 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 अच्छे गिफ्ट लेके आए हो। जो अपने लिए लिया वही आपके लिए। इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। मामा लुक्स गुड इन द कैप। अब आप ये ना कहेंगे ये भी आप पहन सकते। हाँ, ये भी मैं पहन सकती हूँ। वैसे तो मैं पहन सकती हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। मैं आपको पता कश्मीर में लोग वो हमारी वो कैप्स होती हैं जिनके आगे वो लगे हुए होते हैं। तो हाँ, तो मैं कश्मीरी हूँ, मैं पहन सकती हूँ। कैप जो होती है ये मेरे लिए है, बिकॉज जब मैं उमरा करने जाऊँगी तो उसके लिए। और ये है वहाँ की स्पेशल खजूरे। और ये जो खजूरे हैं ना ये सारे फील्ड है मदीना की। थैंक यू सो मच। अभी हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और फिर इसके बाद हम जाएंगे बाहर शवारमा खाने। यहाँ पे ना पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी स्टॉल है शवारमे का बड़ा फेमस। तो हम वहाँ चल के शवारमा खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये नीचे से वाओ। आप लोगों के घर का व्यू बहुत मज़े का है यार। ओके गाइस, हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं। तो अब चलते हैं खाना खाने। वहाँ पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ और फिर हम जाएंगे घर। लेट्स गो गाइस। गाड़ी में थोड़ा पीछे पार्क करनी पड़ी है ताकि मैं आपको मार्केट भी दिखा सकूँ। ये देखना भिंडियाँ कहाँ है? और यार मैंने भिंडी लेनी है। वापस यहीं हाँ वापस यहीं से आएंगे ना? करेले भी पड़े। ओके फिर लेते हैं। हाँ लेते हैं। ओह वाह, यहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता सस्ता है। और यहाँ भी लगी हुई है भिंडी। यार मुझे कबाब ये वाले बहुत पसंद है, सीख कबाब। और इनके पास ग्रिल फिश भी है। यार ये तो पूरा देसी है ना? ओके गाइस, खाना हमने ऑर्डर कर दिया, शवरमा, बिरयानी, चिकन कढ़ाई और पता नहीं उन्होंने और क्या ऑर्डर किया है। जब आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सुना कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और ये जो पाकिस्तानी फैमिली हैं जो रन कर रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी वीडियो में पाकिस्तानी खाना की वीडियो शेयर कर। मेरे साथ ना रमीन भी बैठा हुआ है। बिरयानी सही प्योर पाकिस्तानी खाना, सही शवरमा। अच्छा आज मैं ना कोई और ही कॉम्बिनेशन में मैं फूडी होती जा रही हूँ। शवरमा, बिरयानी और अभी चिकन कढ़ाई की बारी रहती है। ये जुनैद जावेद भाई क्या आपके यार मौसम स्पाइसी भाभी ना ठंडा ठंडी चीज खाता ना स्पाइसी चीज खाता। भाभी आइसक्रीम नहीं खाता, वो बता बड़ी स्ट्रेन सी बात है। इसको हॉट होना चाहिए। पेट भर गया शोरमा खा के, तो मुझे कहते हैं बाकी पैक करवा लें। उन्होंने जो उसके छापड़ लगाया ना वो ऐसा लगाया है कि यू कैन पैक and do take out smart नहीं शर्मा मजे का था। कह रहे हैं कढ़ाई खाने के बाद तुम कहोगी मैंने शर्मा क्यों खाया। भाई हम दो लोग मेरी देखेंगे और उनका पर हम लोग खत्म करते हैं पूरा। का खाना बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी ऑथेंटिक खाना बहुत मजे का। तो खाने लगे हुए चिकन कढ़ाई है रोटी। ऐसी आज पूरी बनी हुई है। हमने वो देखे फूड व्लॉगर ऐसे कर रहे होते हैं खाने पर टेस्ट करते हैं। तो आज मेरा वो हाल है। जाते जाते इनकी प्रमोशन भी कर जाएंगे। जो कोरियन पाकिस्तानी मिलता है ना, उससे डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। हमें यहाँ पे ना भिंडी और करेले मिल गए हैं, तो अभी हम वो लेने लगे हैं। पाकिस्तानी को जहाँ भिंडियाँ नजर आती है ना, वहाँ खड़े हो जाते हैं। यहाँ बहुत फ्रेश और बहुत सस्ती सब्जी है। एक या दो? दो। करेले नहीं, करेले भी ले रहे हो? वो छोटे वाले पकड़ लो, ये देने सही है। ये भी छोटे वाले मत, वो दो ले लो, सही लग रहे हैं। $2000 के मटर। यहाँ पे सारा कुछ बहुत सस्ता है। हम यहाँ ना शिफ्ट हो जाए। मटर कौन से, यही लिया इसने? नहीं, ये माँ भी उठा के ले गया, कच्चे चाहिए उन्होंने लिए। मटर दो चना ना यार, बहुत वो है। कम लो। ये भी एक पाकिस्तानी की शॉप है, सब्जी फ्रूट यहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता है। और नो, वी आर नॉट बाइंग ऑरेंज। कह रहे हैं मेरे भी दो पोते। 쌍둥이도 큰 놈은 수는데 작은 놈은 영이에요. 영. 인텔리전트. 네, 감사합니다. ओके गाइस, खाना हमने खा लिया, तो खाना बहुत ही मजे का था। मोहसिन, आपको कैसा लगा? बहुत मजे का था। पहली दफा मैंने कोरिया में, नहीं दूसरी दफा खाया, लेकिन इनका खाना बहुत मजे का। अलमीर कह रहा है हाय, बहुत ही ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना था। और लाइक शवरमा, कड़ाही, बिरयानी, सब कुछ पाकिस्तानी वाला टेस्ट था, सही मजे का। लोग भी बहुत अच्छे थे। और अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई करना हो तो ये अनसन स्टेशन के बिल्कुल पास है, और इसका नाम है दादा कबाब। तुर्किश कुजीन है, लेकिन जो ऑनर्स है ना, वो भी पाकिस्तानी है, और जो शेफ है वो भी पाकिस्तानी है। लाइक जितना भी स्टाफ है ना, वो सारा पाकिस्तानी है। तुर्किश भी है इनके साथ, तुर्किश डिशेस के लिए। अच्छा, मोहसिन कह रहे हैं कि एक आध इनके पास तुर्किश भी है बंदा, जो तुर्किश डिशेस बनाता है। महाबीर से हाय। महाबीर और अमीर ना यहाँ पे स्लाइड्स ले रहे हैं। इन लड़कों के खेल नहीं खत्म हो रहे, और यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो गई है। ओके गाइस, अब बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो अब हम चलेंगे घर। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। खाना बहुत अच्छा था। अगर आप कोरिया में हो और आप पाकिस्तानी, ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना ट्राई करना चाहते हैं, तो आप ये अनसन सिटी स्टेशन पे है, तो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय।